डीसी जनरेटर्स तो आज के इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि डीसी जनरेटर को हम कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं और उनमें से जो पहली कैटेगरी होगी उसको आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो चलिए आज का वीडियो ये शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए तो देखिए स्टूडेंट्स डीसी जनरेटर जो है उसको हम बेसिकली कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं तो सेम थिंग जैसा कि आप डीसी मोटर के केस uh, में भी आपको मैंने बताया हुआ था कि डीसी मोटर हो या बेसिकली देखो डीसी मशीन Uh, का जब कंस्ट्रक्शन पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना तो मैंने एक बहुत थिंग आपको बताया था कि uh, no, no no और कोई खास आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा एक डीसी मोटर को अगर आप इनपुट मैकेनिकल पावर देते हैं तो इट विल स्टार्ट वर्किंग एज अ डीसी जनरेटर इट विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग यू इलेक्ट्रिकल आउटपुट और वाइस वर्सा दोनों ही पॉसिबल है यहां पे ठीक तो डीसी जनरेटर में ये तो पता चल गया आपको कि कंस्ट्रक्शन वाइज तो कोई खास मेजर डिफरेंस है नहीं ठीक बट ओवरऑल जब हम मशीन uh, के अंदर जब जो फील्ड प्रोवाइड करने के तरीके अलग अलग अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ कैटेगरी बना के रखी हुई है और उन कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं एक डीसी मशीन में कैसा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग तो देखो भाई डीसी जनरेटर अब मशीन का मेजर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया हुआ था दैट वॉज कि एक सेल्फ एक्साइटेड टाइप की मशीन हो सकती है एक सेपरेटली एक्साइटेड मशीन हो सकती है एक परमानेंट मैग्नेट के साथ वर्क करने वाली मशीन हो सकती है तो उस कैटेगरी के अंदर तो हम लोगों ने देखा था कि हम अभी बात करेंगे किसके बारे में सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन ठीक है हम उस कैटेगरी में आगे प्रोसीड रहे थे तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के अंदर अगर मैं डीसी जनरेटर की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर Depending upon specifically method, depending upon the type of field provided in the machine, we can classify them in three major categories that is the series wound DC generator, the series wound DC generator, second one will be the shunt wound, डीसी जनरेटर शंट वाउंड डीसी जनरेटर एंड थर्ड वन विल बी द कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर ये है इनका मेजर क्लासिफिकेशन तो मेजरली आप इनको इन तीन कैटेगरीज के अंदर फॉल होता हुआ देख सकते हो एक डीसी जनरेटर जो है ये वही सेम तीन कैटेगरी है जो मैंने आपको डीसी मोटर के केस में भी बता के रखा हुआ है ठीक है तो अगर आपने डीसी मोटर के केस का एक्सप्लेनेशन और इन सब का जो इंडिविजुअल वीडियो मैंने बनाया हुआ है है अगर आपने उसको देखा है, तो आपके लिए इन जनरेटर के कंसेप्ट को समझना इन वाइंडिंग के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आसान होने वाला है ठीक तो आज के इस वीडियो में ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहां से शुरू करने वाले हैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक आज के इस वीडियो में लेंगे हम लोग एंड दैट इज

इट इज नथिंग बट एमलगमेशन ऑफ सीरीज एज वेल एज शंट वाइंडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है आपको कंपाउंड में लेकिन वो कॉम्बिनेशन के अंदर जो शंट होता है वो भी दो कैटेगरी में हो सकता है लॉन्ग शंट भी हो सकता है शॉर्ट शंट भी हो सकता है तो इसके कुछ मेजर क्लासिफिकेशन और बताया था इसका मतलब जब आने वाले वीडियो में आपको इसके अंदर फिर से दो वीडियो मिलेंगे एक लॉन्ग शंट सेक्शन का मिलेगा कंपाउंड में और एक शॉर्ट शंट सेक्शन का मिलेगा कंपाउंड सेक्शन के अंदर ठीक है तो चलिए तुरंत हम लोग शुरू करते हैं अब आज के इस वीडियो में सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर को तो इन सबको हटाते हैं बोर्ड पर से और सीरीज बाउंडिंग वाले जो सेक्शन से डीसी जनरेटर के उसको लेके आते हैं बोर्ड पे ठीक नाम से समझ में आ रहा है देखो डीसी जनरेटर है तो वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देने वाला है यानी डिफरेंस खास कुछ नहीं होगा अगर आपने सीरीज डीसी मोटर का डायग्राम देखा था ना सर्किट डायग्राम वहां पे सारी करेंट्स इनकमिंग थी टुवर्ड्स द आर्मेचर

और सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा क्या रेजिस्टेंस है आर एस ई से डिनोट किया जैसे कि यहां पे आर्मेचर था तो उसका मैंने क्या नाम लिखा था आर्मेचर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा आर आर ए ए के फॉर्म में आर्मेचर रेजिस्टेंस को मैंने डिनोट कर दिया ठीक है आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को अब आर्मेचर से निकलने वाली करंट आई ए सीरीज फील्ड से होकर गुजरने वाली करंट जो है दिस इज आई एस सी और लोड तक पहुंचने वाली करंट लोड को जो करंट मिल रही है दिस इज टर्म एज आई एल और यहां पे आउटपुट सेक्शन पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इसको चलो नाम इसका नहीं बदलते हैं इसको वी या वी बोल सकते हैं हम लोग वी बोल सकते हैं या वी लोड वोल्टेज या वी बोल सकते हो टर्मिनल वोल्टेज तो ये हमारा मेजर एक नोटिफिकेशन बोल सकते हो आप या मेजर एक नोटेशन है कि इस तरीके से हम लोग इसको नोटेट कर सकते हैं ठीक है तो सारा नोटिफिकेशन हम लोगों ने लिख लिया और जल्दी से जल्दी हमको क्या करना है इसका एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है देखना है कि ये ईएमएफ और इस आउटपुट uh, पोटेंशियल का क्या रिलेशन है एक चीज तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कुछ ई एम एफ यहाँ पे इंड्यूस हो रही है कुछ ई एम एफ बन रही है यहाँ पे जो कि अलग अलग ड्रॉप पे से अलग अलग रेजिस्टेंसेस से होते हुए जब गुजरती है तो उसमें से कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होते जा रहा है और ये ड्रॉप होते होते आखिरी में जो बचेगा दैट विल बी वी एल तो ये पता होगा आपको इससे देख के आप बोल सकते हो कि हमारा ई जो है जनरेटेड ई एम एफ विल बी ग्रेटर देन वी एल ये हमेशा होगा हमेशा होगा जनरेटर का केस है तो ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा ही ठीक है तो एक आइडियल केस में एक बेसिक एक एवरेज केस में अगर मैं बोलूं तो ई जी विल बी ग्रेटर देन वी एल ठीक है चलो डेरिवेशन के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं हम जल्दी से देखते हैं कि इसके बारे में आप कैसे बता सकते हो हियर वी कैन राइट फ्रॉम द गिवेन सर्किट फ्रॉम द गिवन सर्किट चलो वीटी को एक्सप्रेस कर लेते हैं जल्दी से किसके ईजी के फॉर्म में ठीक है वीटी और ईजी के रिलेशन के फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो फ्रॉम द गि सर्किट आई कैन से चलो वीएल ने इसको वीटी लिख रहे हैं ना टर्मिनल वोल्टेज तो वही लिख लेते हैं इज इक्वल टू देखो इसमें से इसको कैसे आप इसका नोटेशन बनाओगे इजी कुछ जनरेट हुआ और इसमें से माइनस कर दोगे आप ऑल द ड्रॉप टिल दिस पॉइंट वहां से इस पॉइंट तक पहुंचने में रास्ते में जितने ड्रॉप्स पड़ रहे हैं जितने जगह ड्रॉप्स बोलने का मतलब जहां रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं और रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है तो जहां जहां रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं उन सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाले ड्रॉप को आप इसके अंदर माइनस कर दो टोटल इजी से जितना बना माइनस ऑल द ड्रॉप पहला ड्रॉप कहां पर होता है फर्स्ट ड्रॉप इज हैपनिंग आर्मेचर सेक्शन सो इट इज गिवेन एज आई एन टू आर ए माइनस द सेकेंड ड्रॉप इज है सीरीज फील्ड सेक्शन और उसके बाद फिर जो सप्लाई मिल रही है आपको दट इज वी एल तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको अब आप रिलेशन देखने को मिलेगा आई ए और आई एसई का सिंस ये सारी की सारी वाइंडिंग्स जो है एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़ी हुई है इसलिए आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हो कि आई ए इज इक्वल टू आई एस इज फील्ड वाइंडिंग करंट एंड दिस विल बी इक्वल टू आई एल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे आर मेचर करंट और लोड करंट बोथ आर सेम और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर से गुजरने वाला करंट जो है दैट इज ऑल्सो सेम तो मतलब अब इससे क्या है? इसकी वर्किंग में इफेक्ट देखने को मिलेगा उसको हम आगे चल के समझेंगे ठीक है और ये इनका पूरा ई का रिलेशन ई और आउटपुट पोटेंशियल का रिलेशन तो इन मशीनों की खासियत क्या होती है ये मशीनें, देखो जो सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर होता है ना इसको कांस्टेंट करेंट डीसी जनरेटर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट डीसी जनरेटर यानी करंट की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मिलेगी आपको ऑफ टाइप ऑफ लोड ये कैसे पॉसिबल है बहुत अच्छे से समझना एकदम ध्यान से समझना थोड़ा थोड़ा सा सा डीप में में जाएंगे डिटेल समझने वाला है इसके बारे में ठीक है कांस्टेंट करंट डीसी जनरेटर बोलने का मतलब यह है कि ये कि किसी भी केस में करंट आपको कांस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है अप टू अ सर्टेन लिमिट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लोड ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है देखो हर मशीन की कुछ प्लस पॉइंट होती थी कुछ खासियत होती थी जब मैं आपको मोटर पढ़ा रहा था तो जब मैंने सीरीज डीसी मोटर के बारे में बताया तो वहां पे मैंने आपको क्या इसकी खासियत एक याद करवाया बार बार बोल के मैंने आपको वहां पे ये बताया कि ये इनिशियली बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क बनाता है यही कारण होता है कि सीरीज डीसी मोटर को आप कभी भी विदाउट एनी लोड रन नहीं करवाते हो हमेशा उसको ऑन लोड कंडीशन में ही आप फंक्शन करवाते हो ठीक है तो वैसे ही जो सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर होता है इट इज एज अ अस्टेंट करंट सोर्स एज अ अस्टेंट करंट सप्लाई जनरेटर ये हमेशा करंट देगा लोड की वैल्यू बढ़ने या कम होने दोनों ही केसेस में कैसे वो करंट को मेंटेन करता है उसको समझने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझना जरूरी है ठीक तो चलो क्या कैरेक्टरिस्टिक समझना जरूरी है तो इसको हटाते हैं जरा बोर्ड पर से और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर इसको हम लोग तीन अलग अलग फॉर्म में डिवाइड करके रखे हैं ठीक है तीन अलग अलग फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाऊंगा मैं और आप उसके अंदर ये तीन पार्ट के अंदर एनालिसिस करोगे और आपको तुरंत तो समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको मैं करंट डीसी जनरेटर बोल रहा हूं तो फर्स्ट इज मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मशीन मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा वर्क कर रहा है किन दो चीजों के बीच में आप उस कैरेक्टरिस्टिक को ट्रेस करोगे वो देखेंगे हम लोग सेकंड वन विल बी द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मशीन जो उसके इंटरनल वर्किंग के ऊपर इंटरनल पोटेंशियल उसकी जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग लगी हुई है उसमें जाने वाला करंट इन सब के फॉर्म में देखने वाले हैं और लास्ट और थर्ड जो है दैट दैट इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक विल बी अपॉन द टाइप ऑफ लोड कि आप जब लोड दे रहे हो तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है ठीक है तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में हम लोग स्टडी करने वाले हैं तो चलो जल्दी से इसको बोर्ड पर लेके आते हैं और जल्दी समझते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैसी कुछ देखने को मिलती है तो चलो मैं पहला काम तो ये कर लेता हूं फर्स्ट थिंग जो मैं करता हूं दैट इज कि इसका एक ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है आपको मैंने तीनों कैरेक्टरिस्टिक का नाम बताया कि हम जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेस करने जा रहे हैं वो किस किस फॉर्म में किस टाइप की चीज के लिए ट्रेस कर रहे हैं तो अब आप देख लो चलो ये ग्राफ जो है इसका एक्स और वाई एक्सिस किन चीजों को ट्रेस कर रहा है तो मैं सीधे सीधे आपको बता दूं रेक्टरिस्टिक यहां पर मैं वी और आई के बीच का रिलेशन ट्रेस करने जा रहा हूं मैंने अपने डेरिवेशन पार्ट में पहले ही देखा हुआ है कि मेरी आर्मेचर करंट जो है that is equal to ISE, series field current, और ये दोनों ही इक्वल है लोड करेंट के ये चीज मुझे पता है इन सबको मैं एक्स एक्सिस में ट्रेस करने जा रहा हूं तो एक्स एक्सिस में कर ट्रेस कर रहा हूं करेंट्स इस डायरेक्शन में और इनकी यूनिट एम्पियर्स क्लियर है वाई एक्सिस जो है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल द पोटेंशियल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम तो पोटेंशियल में मेरे पास तीन पोटेंशियल है एक है VT दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल या लोड पोटेंशियल इसको VL भी बोल सकते हो आप फिर दूसरा है EG दैट इज द जनरेटेड ईएमएफ और

फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किसी सिस्टम का मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसके अंदर किस टाइप की चेंजेस देखने को मिलेगी आपको यहां पे तो इनिशियली मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में ट्रेस किया जाता है पहले तो उसको समझते हैं तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रेस्ड बिटवीन द ओपन सर्किट पोटेंशियल दिस इज द ओपन सर्किट एम एफ ओपन सर्किट पोटेंशियल हमारे पास है ई नॉट और आई एस ई यानी फील्ड करंट के बीच में हम लोग इसको ट्रेस करके देखने वाले हैं कि ये कैसा आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा यानी ये वो कंडीशन है जहां पे आपकी मशीन जो है आपका जो डीसी जनरेटर है उसके आउटपुट में मैंने कोई लोड लगा के नहीं रखा हुआ है ठीक है सो इन दैट केस जब मैंने आउटपुट में कोई लोड लगा के नहीं रखा हुआ है तो इस केस में इस मशीन का बिहेवियर कैसा दिखेगा रिलेशन किसके किसके बीच का ई नॉट का ट्रेस कर रहे हैं विद आई एसई ठीक है तो देखते हैं इसका कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा तो भाई अगर मैंने लोड नहीं लगाया हुआ है तो ई नॉट की मैग्नीट्यूड तो हाई रहेगी ऑब्वियस थिंग है अगर लोड नहीं लगा हुआ है बहुत हैवी करंट नहीं ड्रॉ कर रहा है और ई नॉट की मैग्नीट्यूड अगर हाई है तो ये लगभग लगभग कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इट विल स्टार्ट रीचिंग द सेचुरेशन और सेचुरेशन आते आते ये इस ऐसे कुछ, किसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा ठीक है अब थोड़ा ध्यान से देखना इसको मैं मिटा देता हूं फिर से एक बार आपको बना के दिखाता हूं देखो ये इस पॉइंट तक लीनियरली ही चलेगा ये ग्राफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये ग्राफ जो है ऐसा लीनियर चलेगा और एक, किसी एक पॉइंट पे जाने के बाद ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो ये ग्राफ का लीनियर होना किस चीज को शो कर रहा है ओम्स के हिसाब से सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि v प्रोपोर्शनल टू i अगर है तो उस केस में अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में वो करंट भी इंक्रीज होती हुई मिलेगी क्यों क्योंकि तीनों, की तीनों, की तीनों के तीनों करंट एक दूसरे के साइमल्टेनियसली सब एक दूसरे के इक्वल ही है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का यही खासियत है कि तीनों ही करंट एक दूसरे के बराबर है तो उस केस में ये सिस्टम जो है ये जो ग्राफ है इस पॉइंट तक तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इस पॉइंट को पार करने के बाद कांस्टेंट हो रहा है क्योंकि इसकी पोल्स जो है अब वो सैचुरेशन पे पहुंच चुकी है तो अब अगर इस केस में करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ती भी है तो पोटेंशियल अब इससे आगे नहीं मिलेगा क्योंकि पोल्स जैसी सेचुरेट हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अब बढ़ नहीं सकती इसके आगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है अगर वो नहीं चेंज हो रही है तो उस केस में आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा एक ऑलमोस्ट एक ऐसा सीधा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को मिलेगा सेचुरेशन का कैरेक्टरिस्टिक जो शो कर रहा है ठीक है तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज दिस इज आवर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ठीक है चलो इसका नेमिंग भी कर देते हैं हम लोग जल्दी से तो इसकी नेमिंग करने में हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि दिस इज इसको पॉइंट ओ बोल देता हूं मैं और इसको, इसको बोल देता दिस पॉइंट ए तो ओ से लेके ए तक फ्रॉम ओ टू ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीसी मशीन डीसी जनरेटर स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो ठीक है तो ओ टू ए आपको ये चीज दिखाई दे रहा है और इस पॉइंट के आगे का जो रीजन है दिस इज शोइंग इट्स सैचुरेशन अगर क्वेश्चन में आता है कॉम्पिटेटिव के कि सैचुरेशन कौन सी चीज सैचुरेट हो जा रही है कौन सा कोर सैचुरेट हो रहा है तो आप बता सकते हो कि पोल्स आर गेटिंग सैचुरेटेड जो पोल उनके सैचुरेशन से आपको में ऐसा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसा स्टीपनेस जो है वो देखने को मिल रहा है नेक्स्ट आगे चलते हैं अगला जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमको ट्रेस करना है दैट इज नोन एज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक डीसी जनरेटर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बोलने का मतलब क्या है और किसके किसके बीच में ये ट्रेस होने जा रहा है तो इंटरनल सेक्शन दैट इज करंट के फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो आर्मेचर और वोल्टेजेस के फॉर्म में बोलूं तो जनरेटेड ईएमएफ तो उसका किसी भी मशीन का जो इंटरनल सेक्शन है वो अगर आप स्टडी करोगे तो वो वो जगह होता है जहां से वो जनरेट करता है या जहां पे फाइनल इनपुट लेके एनर्जी को का कन्वर्जन करता है एनर्जी का जिस पॉइंट पे कन्वर्जन होता है ना उसी को हम लोग इंटरनल सेक्शन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं तो एक डीसी जनरेटर के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन कहां पे होता है जब मैकेनिकली आप एक शाफ्ट शाफ्ट को जब प्राइम ओवर के हेल्प से जब आप घुमाना शुरू करते हो तो उसके इसमें वो जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो पहला इंटरेक्शन होता है वो किसका होता है फील्ड वाइंडिंग्स का सॉरी फील्ड वाइंडिंग्स नहीं आर्मेचर वाइंडिंग्स का इंटरेक्शन होता है तो उन आर्मेचर वाइंडिंग के इंटरेक्शन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सबसे पहली जो क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपको मिलती है वो उसी सेक्शन पे मिलती है तो यही जो दो क्वांटिटीज होती है फर्स्ट वन वन इज इज जनरेटेड एंड आर्मेचर इन्हीं दोनों के बीच में ट्रेस किया हुआ ग्राफ कहलाता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ अ डीसी जनरेटर तो लिख लेता हूं मैं दिस ग्राफ इज ट्रेस बिटवीन ईजी और ऐसा शॉर्ट में लिख लेता हूं हूँ जनरेटेड और आर्मेचर करंट के फॉर्म में जो ग्राफ ट्रेस हो रहा है दैट इज अवर इंटरनल सर्किट ग्राफ अब इस ग्राफ की क्या खासियत देखने को मिलेगी आपको इस ग्राफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि देखो इस ग्राफ में होता क्या है कि अब हम लोग हमारे सिस्टम में आर्मेचर करंट के बढ़ने से आर्मेचर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है क्या बोला मैंने फिर से ध्यान दो आर्मेचर करंट जैसे जैसे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है अभी तक आर्मेचर करंट के कारण वैसा कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा था लेकिन अब मैंने उसको लोड पे कनेक्ट कर दिया है अब मशीन हमारी लोडेड कंडीशन में है तो लोड भी कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है लोड के करंट ड्रॉ करने के कारण जब हमारा आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होना शुरू होता है तो उसके इसमें आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिलता है और आर्मेचर रिएक्शन क्या नुकसान करता है आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो इंड्यूस्ड ई को इंड्यूस पोटेंशियल को कम करना शुरू कर देता है ठीक है तो जिस कारण से ये ग्राफ जो है इसके जितना हाइट अटेंड नहीं कर पाती इसके जितनी मैग्नीट्यूड नहीं पहुंच पाती इससे थोड़ी सी कम पे रहती है और ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा ये ये ग्राफ ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा चलता है लेकिन आगे जाके ये ग्राफ ऐसा सीधा चेंज हो जाता है फिर से एक बार ये ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसी दिखती है और कुछ ऐसा चेंज जाती है एक पॉइंट पे जाने के बाद अगेन दिस इज इट्स सैचुरेशन पॉइंट और इस कर्व का नाम अगर मैं बोल दूं इस पॉइंट को कि दिस इज बी दिस इज बी तो ओ से लेके ए तक मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है और ओ से लेके बी तक का जो सेक्शन है ये इसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे अगेन सारी चीजें बिल्कुल सेम है यहां पे भी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसके बाद देखो ये जो नी पॉइंट आपको दिख रहा है ना इसके बाद ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है बिल्कुल जैसे स्टीप लाइन ट्रेस कर रहा है और इससे पहले हमको ऑलमोस्ट एक लीनियर लीनियरली इंक्रीज होता हुआ ग्राफ दिख रहा था जस्ट बिकॉज की ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि सेम प्रपोर्शन में पोटेंशियल और करेंट जो आपको उस पोर्शन के अंदर मिलती है लेकिन ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको ए से बी तक का ये डिफरेंस किसके कारण किसकी वजह से दिख रहा है ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना डिफरेंस मेजरली आपको किसकी वजह से दिख रहा है यह पर्टिकुलर डिफरेंस इस सेक्शन का जो ये अंतर है यहां से यहां तक का डिफरेंस दिस इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन दिस इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन यही वो कारण है जिसकी वजह से ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की जो ग्राफ है हमारी वो एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा लो सेक्शन पे आके बनती है ये उतने मैग्नीट्यूड तक नहीं पहुंच पाती है उससे पहले ही अपनी सेचुरेशन रीजन को अटेन करना शुरू कर देती है हालांकि करंट की मैग्नीट्यूड तो ऑलमोस्ट उतना पहुंच रही है लेकिन पोटेंशियल जो है वो उतना राइज नहीं कर पाता है क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण जो इंड्यूस डी है उसकी मैग्नीट्यूड कम होने शुरू हो जाती है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अगला पॉइंट भी ले आते हैं जल्दी से थर्ड और लास्ट पॉइंट को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं थर्ड वन इज द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आखिरी लास्ट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है तो आपको पता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड व्हाट इज फैक्टर लोड जो आप प्रोवाइड करने वाले सिस्टम को अकॉर्डिंग तो मैं बता दूं कि ये ग्राफ दो किन दो चीजों के ऊपर ट्रेस होने वाला है ये ग्राफ इन दो चीजों पर ट्रेस होने वाला है आउटपुट का पोटेंशियल दैट इज जिसको कि आप वी या वी से डिनोट करते हो और आउटपुट पोटेंशियल वर्सेस करंट कौन सी होगी भाई बिल्कुल अ थिंग है आउटपुट करंट आई एल लोड करंट जिसको मैं बोलता हूं आई एल ठीक है तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ में ट्रेस करने जा रहा हूं दैट दैट विल बी एज द फाइनल ग्राफ इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ और इसमें कुछ बहुत अच्छा चीज देखने को मिलेगा कुछ खास चीज होने वाला है ध्यान समझते हैं चलो देखो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा देखो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा दिखाई देगा आपको ऑलमोस्ट ऐसा लेकिन यहाँ पे कुछ नया चीज हो जाता है यहाँ पे कुछ और नया थिंग जो है वो भी देखने को मिलता है आपको फिर से एक बार इसको ध्यान से समझो यहां से क्या हो रहा है ये सैचुरेशन पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा लेकिन इस पॉइंट पे जाने के बाद ये जो आपका ग्राफ है ना ये ऐसा धीरे 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 ऐसा रिड्यूस होते हुआ दिखाई देता है ये ऐसा कुछ ट्रेस कर लेता है नाम इसका लिख लेते हैं जल्दी से ये कौन सी चीज का ग्राफ है दिस इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक दिस इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ और इसकी मैं नेमिंग कर दूं इसकी मैं नेमिंग कर दूं ए बी और ये पॉइंट को मैं लिख देता हूं सी

या लोड वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं वहां तक आने के लिए आपको कुछ ड्रॉप्स से होके गुजरना पड़ता है कौन कौन से ड्रॉप्स होते हैं आर्मेचर का जो वाइंडिंग है आर्मेचर की इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट दैट इज 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 योर योर फर्स्ट ड्रॉप ड्रॉप द सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस दैट इज आर एस ई जब ये दो ड्रॉप से होते हुए आप आगे गुजरते हो और आप फाइनल वीटी पे पहुंचते हो तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वोल्टेज हैज बीन ड्रॉप्ड इन इन पासिंग थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेज इन रेजिस्टेंस के थ्रू होकर गुजरने से कई सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो जो ईजी की मैग्नीट्यूड है उससे ऑब्वियसली कम मैग्नीट्यूड आपको मिलती है कहां पे वीटी पेट इज अक्रॉस द लोड तो ये जो डिफरेंस आपको दिखता है ये पोटेंशियल पोटेंशियल हमारा फिर से कम हो गया अब अगर मैं लोड को देखूं तो जो मेरी ईजी वाली ग्राफ थी जनरेटेड की ग्राफ है उससे तो नीचे ही आएगा ना लोड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड VT का मैग्नीट्यूड उससे कम दिखेगा आपको यही कारण होता है कि B से C तक पहुंचने में इन दो पॉइंट के बीच में जो ये डिफरेंस आता है ये किसके कारण आता है ड्यू टू डिफरेंस ड्यू टू आरमेचर एंड फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस डिफरेंस ड्यू टू आरमेचर एंड फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है और आप यहां पे भी वो नी पॉइंट को कंसिडर करता हुआ देख सकते हैं तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये जो येलो पेन से इसको बनाया हुआ है ये कर ये ग्राफ सडनली ऐसा फॉल होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्राफ सडनली ऐसा फॉल होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं और यहां से जब करेंट्स uh, की मैग्नीट्यूड को हम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं आईएल की मैग्नीट्यूड को अब हम इससे और आगे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं उसके इसमें सबसे मेजर डिफरेंस जो होता है वो क्या दिखाई देता है उसको ध्यान से समझो आई की मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़नी शुरू हो जाती है अब पोटेंशियल जो है हमारा वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है पोटेंशियल का जो फॉल है आपको देखो करंट ऑलमोस्ट यहां पे कांस्टेंट हो गई है लेकिन अब पोटेंशियल जो है वो कम होना शुरू हो गया है माइंड में इनिशियली क्या था आपने लगाया. लगाया, तो उसने करना किया. जो है, सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से लोड करंट अगर बढ़ रही है मतलब आई एस सी बढ़ रहा है आई ए बढ़ रहा है ठीक है लोड करंट बढ़ रही है तो आई एस सी बढ़ रहा है आई ए बढ़ रहा है तो उस केस में जो आपका पोटेंशियल है जो आपका आउटपुट पोटेंशियल है वी टी वो शुरू में तो इंक्रीज हुआ सेम प्रोपोर्शन के साथ वीटी जो है आई के साथ सेम प्रोपोर्शन में बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद सैचुरेशन रीजन को भी अटेंड तो होती हुई दिखी लेकिन उससे आगे अगर आप और ज्यादा करंट बढ़ाते हो तो उस केस में पोटेंशियल जो है वो अब धीरे धीरे फॉल होना शुरू हो जाएगा ये पोटेंशियल जो है ड्यू टू क्योंकि रस्ते में रेजिस्टेंस भी मिल रहे हैं आपको रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप और बढ़ना शुरू हो जाएगा भाई आई इंटू आर का इक्वेशन आप देख लो तो आई की मैग्नीट्यूड अगर बढ़ती है तो आई इंटू आर से होने वाला ड्रॉप भी बढ़ने लग जाएगा आई इन आर से होने वाला ड्रॉप अगर बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो किसमें से माइनस हो रहा है इजी से माइनस हो रहा है नहीं याद होगा तो इसको ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे बताया था आप लोगों को अच्छा उसको हटा दिया है मैंने चलो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं इक्वेशन ताकि आपको ध्यान में रहे कि हम किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं देखो इसका EMF का इक्वेशन जब मैंने ट्रेस किया तो हम लोगों ने देखा कि आई एस ई आर एस ई ये रिलेशन आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए जो इसकी सर्किट डायग्राम से हम लोगों ने ट्रेस किया हुआ था ठीक है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो यहां पे क्या चीज देखने को मिल रहा है ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो ईजी में से सारे ड्रॉप्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मिलता है दैट इज योर आउटपुट वोल्टेज जब मैं बोल रहा हूं कि करंट की मैग्नीट्यूड यहां पे बढ़ रही है इन करंट्स की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है ये करंट्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो मतलब इनका कंबाइंड इफेक्ट जो होगा ड्रॉप के फॉर्म में वो भी तो बढ़ेगा आई ए इंटू आर ए की मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगी भाई देखो आर ए तो कॉन्स्टेंट है लेकिन अगर आई ए बढ़ता है तो ड्रॉप की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी दैट इज मच ऑब्वियस सेम वे में अगर आई ए जो है वो बढ़ रहा है तो आई एस ई भी बढ़ रहा है ऑल ऑफ दीज आर इक्वल लोड करंट भी अगर आपकी बढ़ती है तो मतलब ये सब इक्वल हैं और इनके इक्वल होने से इनका ड्रॉप्स इनके ड्रॉप जो है वो भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ने शुरू हो जाएंगे अब ये ड्रॉप्स अगर ज्यादा हो रहे हैं तो वो ईजी से सब हो रहे हैं जनरेटेड ई अगर सौ थी पहले 20 20 का ड्रॉप हो रहा था 40 का तो आपको आउटपुट मिलता था 60 60 वोल्ट लेकिन अब ये जनरेटेड ईएमएफ तो आपकी उतनी ही है सौ लेकिन अब ये ड्रॉप बढ़ के फोर्टी और फोर्टी का होने लग गया इन केस तो उस केस में आपका आउटपुट अब कितना मिलेगा सिक्सटी मिलेगा क्या अब नहीं मिलेगा आपको सिक्सटी अब आपको आउटपुट में सिर्फ ट्वेंटी ही देखने को मिलेगा मतलब वोल्टेज का क्या हो रहा है पोटेंशियल अब आपकी यहां से मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जा रहे हो पोटेंशियल लेकिन मैग्नीट्यूड को कम करना शुरू करेगा कॉन्स्टेंट कर तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो बिल्कुल की तरह दिखता है हुआ क्या लोड की वैल्यू को आपने इंक्रीज किया या लोड की वैल्यू आपने रिड्यूस किया दोनों ही केसेस में आपको करंट ऑलमोस्ट सेम मिली पोटेंशियल में चेंज दिखाई दे रहा है यही कारण होता है कि हम लोग इस मशीन को हम लोग इस मशीन को मेजरली जो बोलते हैं दैट इज कॉन्स्टेंट करंट मशीन या कॉन्स्टेंट करंट जनरेटर ये कारण होता है इसको ऐसा लिखने का कांस्टेंट करेंट कॉन्स्टेंट करेंट जनरेटर ठीक है ये रीजन होता है कि हम लोग इसको कॉन्स्टेंट करंट जनरेटर क्यों बोलते हैं तो ये इस ग्राफ से आपको ये समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं ठीक है ये में एक बहुत मेजर ग्राफ होता है एक बहुत मेजर एनालिसिस होता है जो हम लोग करते हैं इस चीज को दर्शाने के लिए इस चीज को शो करने के लिए कि क्यों हम लोग कॉन्स्टेंट करंट अज्यूम करें क्यों हमको यहाँ पे कॉन्स्टेंट करंट दिखता है और इसकी मैग्नेटिक इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों ही टाइप की कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर एक ही ग्राफ में आपको स्टडी करके मिल जाती है सो स्टूडेंट्स आई होप कि इस लेक्चर से आपको डीसी जनरेटर के बारे में ये बेसिक्स पता चल गए होंगे ये चीजें समझ में आई होंगी और सीरीज फील्ड डीसी जनरेटर का कंसेप्ट जो है वो आपको इसमें से करना इजी हो जाएगा तो बने रहिएगा हमारे साथ जल्दी ही मिलेंगे आगे अगले वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं अबाउट द शंट फील्ड डीसी जनरेटर शंट डीसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे और फिर कंपाउंड वगैरह के बारे में भी आगे डिस्कस करते जाएंगे तो इस लेक्चर को अब मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ आई होप कि आपने इनसे चीजों को समझ लिया होगा और ये सारे जो ग्राफ्स सा अगर हम लोग पढ़े या जो डेरिवेशन पार्ट हम लोगों ने देखा ये आपको बिल्कुल ईजी लगा होगा बिल्कुल आसान है कुछ भी टफ नहीं है कनेक्टेड रहो आप लोग जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में पिछला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके उसको भी देख लो तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अब हम यही कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स